बैंक में सेटलमेंट के नाम पर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यापारी को सेटलमेंट के नाम पर झांसे में लेकर दो लोगों ने उसके साथ 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर ली। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। काशीपुर कोतवाली में पंजाब नेशनल बैंक का लोन सेटलमेंट कराने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठगने के मामले में संजीव पाल अरोड़ा ने दिल्ली के राकेश थापर और अनुकंपा भट्ट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। इस मामले की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि संजीव पाल अरोरा जो कि एक व्यापारी हैं, उनके द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। व्यापार के चलते उन्होंने बैंक से लोन लिया था जिसका ब्याज मिलाकर 9,88,00,000 रुपए के आसपास हो गया था, जिसके सेटलमेंट के लिए वे प्रयास कर रहे थे। वहीं मुलाकात के दौरान राकेश व अनुकंपा भट्ट द्वारा बैंक सेटलमेंट की बात करते हुए बताया कि दिल्ली में हमारी फर्म A to Z वित्तीय मतभेदों को देखती है और दोनों ने अपने विश्वास में लेकर सेटलमेंट के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक के ड्राफ्ट और नगद के माध्यम से 1,50,00,000 की रकम धोखाधड़ी से ले ली। बाद में व्यापारी अरोड़ा ने जब बैंक से जानकारी ली तो पता चला कि इस तरह का कोई सेटलमेंट हमारे बैंक से नहीं हुआ। देखिए, एक संजीव पाल अरोड़ा जी हैं काशीपुर के, इनके द्वारा SSP महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि ये सीड प्लांट चलाते हैं और इनके द्वारा बैंक से लोन लिए गए थे जिसमें कि बाद में ब्याज जोड़ करके कुछ रकम काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे बैंक से सेटलमेंट का ये प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में राकेश थापर और अनुकंपा भट्ट नाम के दो लोग इनसे मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि बैंक से हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। और इनका ये कहना है कि उन्होंने अलग अलग चेक संख्या से और अलग अलग मैसेज भेज करके इनसे लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इसकी जांच क्षेत्र अधिकारी के द्वारा किया गया। प्रारंभिक तथ्यों की पुष्टि होने के बाद SSP महोदय द्वारा इसमें मुकदमे का आदेश किया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें 420 और 467-68-71 जो IPC की सेक्शन है उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसको मेरिट के हिसाब से हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।